नमस्ते एकात्मता मंत्र यम वैदिक मंत्र दृश्य पुराना इन्द्रं यमम मातरश्वः नमाहु वेदांतिनु न वचनीयम एकम यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिष्टं शैवाय शिव इत्यवचन यम विष्णुरी बुद्धस्तारीति बोधजैना शस्त्रीय कालेखसंता शास्त्रे कैचि प्रकृति कुमार स्वामी मातेति पितेति भक्त यम प्रार्थयन्ते जगदीश तार सह एक एवा प्रभुरत द्वितीय नमस्ते सभी को आज हम सीखेंगे सप्तदश अध्याय सत्रहवा अध्याय भगवत गीता का उसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम श्रद्धा त्रय। मतलब तीन श्रद्धा उसके विभाग श्रद्धा क्या है यह इम्पोर्टेंट है नॉर्मली श्रद्धा का अर्थ करते हैं विश्वास faith. मेरी श्रद्धा इस भगवान पर है मेरी श्रद्धा पर है ऐसा कहते हैं श्रद्धा शब्द श्रद्ध का किसने ऐसा कहा है कि श्रमेण धार्यते इति श्रद्धा जो श्रम के साथ कारण हम उसको धारणा करते हैं उसको श्रम का मतलब है विथ एफर्ट्स उसको श्रद्धा कहते हैं कभी कभी हमने ये भी शब्द सुना होगा अंध श्रद्धा तो श्रद्धा कभी भी अंध नहीं होती कभी भी ब्लाइंड नहीं होती तो ऐसा कहते हैं कि हम जब निश्चित करके प्रयास करके किसी को ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर बिलीव करते हैं वह श्रद्धा जैसे हम संघ का कार्य करते हैं तो यह ब्लाइंड फेथ नहीं है हमने उसको परखा उसको देखा उसको जाचा उसका स्टडी किया उसका अनुभव किया और अनुभव करने के बाद में तय किया कि यही कार्य मेरे जीवन में करना है और इसी मार्ग से मुझे आगे जाना है इसी मार्ग से अपने हिंदुओं का समाज का संगठन होगा यह जो श्रद्धा होता है यह विश्वास आता है उसका नाम है श्रद्धा लेकिन भगवत गीता में ऐसा कहा है कि श्रद्धा शब्द जो है स्वभाव जा यह स्वभाव से होता है और यह इंडिविजुअल है व्यक्तिगत है तो उनका कहना है कि श्रद्धा क्या है वह तो वो कहते अंदर का जो भाव है द मोड इनसाइड मी इसका श्रद्धा हर एक व्यक्ति अंदर से कुछ अलग होता है अपने भी घर पे कई प्रकार अपने अगर मानो तीन बच्चे हैं तो तीनों बच्चे एकदम अलग अलग व्यक्त होते हैं वातावरण एक जैसा है सब कुछ एक जैसा है फिर भी ये तीनों अलग अलग कैसे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहले जन्म से ले आते हैं हम भी कहते हैं कि ये जरा बचपन से ये मन से ये स्वभाव से बड़ा शांत है ये स्वभाव से बड़ा चंचल है ये स्वभाव से ऐसा है तो स्वभाव से जो उसका भाव है मन से जो भाव है उसको श्रद्धा यहां कहा है और ये ऐसा कहते हैं ये क्यों होता है तो संचित कर्मो संचित का मतलब है पिछले सारे जो अपने कर्म है वो सारे कर्मों का इम्प्रेशन होते 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 इस प्रकार का भाव इस प्रकार का मोड हमारा बनता है ऐसा किसी ने कहा कि जो शब्द है मोल्ड हर एक का अपना अपना एक मोल्ड होता है उस मोल्ड को श्रद्धा कहा है इसलिए दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे अभी हम क्या करेंगे जैसे पिछले बार किया था एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि अभी आपको एक आदत हो चुकी है पढ़ने की साथ साथ हम पढ़ेंगे बहुत आसान है गीता पढ़ना त्रिविधा श्रद्धा दे सात्विकी राजसी तामसी चमसी ताम श्रृणु त्रिविधा भवती श्रद्धा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है त्रिविधा मतलब तीन प्रकार की देहिना मतलब जिनको शरीर है उनकी मतलब हम सब लोग मनुष्य है प्राणी है सबका एक देह है सबकी बॉडी है जिनकी जिनकी जिनका जिनका शरीर है उन सभी की तीन प्रकार की श्रद्धा है वो कैसी है स्वभाव जा स्वभाव से आई हुई जन्म से आई हुई है वो तीन प्रकार की है सात्विक राजस और तामस ताम सुणु उसको आप सुनिए इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम चाहे कहते हो कि मैं लड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे चिंता है मेरे भाइयों की मेरे गुरुओं की लेकिन तुम्हारी तो कोई स्वाभाविक श्रद्धा है उसको आप जानिए और इसलिए उसके बाद में वो आगे आगे बढ़ते हैं ये जो अध्याय है यह अध्याय हमारे लिए काफी महत्व का है मैं पहले ही बता देता हूं कि उसका विशेष क्या है अध्याय का कि ये श्रद्धा स्वभाव से होने के बाद भी हम अगर सोचते हैं तय करते हैं तो अपना स्वभाव बदल सकते हैं ऐसा श्लोक में इस अध्याय में कहा है चाहे मैं गुस्से वाला होगा जैसे आपको पता होगा अपने पूजनीय डॉक्टर जी ये बहुत क्रोधित थे उनका परिवार ही ऐसा था उनके बड़े भाई भी ऐसे थे उनका उनके बाकी लोगों का पता नहीं, तो नहीं क्योंकि वो तो बचपन में चले गए लेकिन जैसे संघ की स्थापना हुई तो उन्होंने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया और शांत तो हुए पूजनीय गुरु जी उनका रुझान स्वभाव से अध्यात्म के पास था उनको बार बार लगता था कि मैं हिमालय में चला जाऊं लेकिन अपना मन स्वभाव से मोड़कर समाज में कैसे कार्य करना यह उन्होंने स्वभाव अपनाया इसलिए अपने कर्म से हम अपने स्वभाव में, में परिवर्तन ला सकते हैं कैसे लाना क्या लाना इसका भी एक मार्गदर्शन गाइडेंस आपको इस अध्याय में मिलता है इस अध्याय पढ़ते समय हमारे अपने जीवन की तरफ हम अगर ध्यान देंगे तो बहुत आनंद हमको मिलेगा छोटी छोटी बातें बताई है पहला शुरू किया है जो सबसे प्यारा होता है वह होता है भोजन हमारा भोजन उस प्रकार से है अपने गीत में भी कहा है अपना भोजन मन निर्माता अपना भोजन जैसा है वैसे हम बनते हैं तो जैसी हमारी श्रद्धा है इनका कहना है वह जैसी हमारी उनका यहाँ उल्टा कहते हैं जैसा भोजन है वैसा हम नहीं बनते जैसा हम है वैसा हम भोजन करते हैं ऐसा यहाँ कहा है जैसे हम है वैसा हमको भोजन प्यारा होता है कभी कभी लगता है कि कभी कभी मीठा खट्टा खाने की इच्छा है हो जाती चलो आज खाई लेते हैं आज मुझे मिर्च चाहिए ऐसा हमको लगता है तो जैसा हमारा स्वभाव है वैसा भोजन का होता है यहाँ कहते हैं लेकिन उल्टा भी कहे जा सकते हैं कि धीरे धीरे अगर हमारा भोजन चेंज होगा तो हमारा स्वभाव भी चेंज होगा तो तीन तीन श्लोकों के ये ट्रिपलेट्स यहाँ मिलेंगे सो so, आठ नौ दस ये तीन श्लोक भोजन के लिए पढ़ेंगे हम हाँ। आयुसत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रनिग्ध स्थिर रुद्या आहार सात्विक प्रिया सात्विक प्रिया आहारा आहार आहारा मतलब है भोजन सात्विक को, को कौन से आहार अच्छे लगते हैं तो कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना विवर्धन मतलब बढ़ने वाले बढ़ाने वाले बढ़ाने वाले मतलब दे ग्रो विच दे हेल्प इन ग्रोइंग क्या क्या बढ़ाते हमारा आयु मतलब अपनी अपना आयुष्य अपना लाइफ अपना लाइफ स्पैन फिर सत्व सत्व का अर्थ यहां कहा गया है अपना इंटेलेक्ट, सत्व मतलब अपना इनर सेंस अंदर का भाव फिर बल अपनी स्ट्रेंथ अपना शरीर आरोग्य अपनी हेल्थ सुख प्लेजर प्रीति प्रेम ये बढ़ाता है ऐसा भोजन जिससे प्रेम बढ़ता है सुख बढ़ता है जैसे पता होगा आपको कि कुछ खाने में जीव को तो सुख लगता है लेकिन बाद में रात भर दुख होता है वो खाना सुख विवर्धना नहीं है वो दुख विवर्धना है यह सुख विवर्धना शांत अच्छा लगता है खाने के पश्चात आरोग्य हेल्थ बढ़ाता है स्ट्रेंथ बढ़ाता है आयु बढ़ाता है बुद्धि बढ़ाता है और क्या है रस्या हा में रस है वो ड्राई नहीं है खाना रस्य है स्निग्ध जो आपको पता होगा कि जिसमें एक घी या तेल इनके द्वारा स्निग्धता आती है एक ऑयलीनेस रहता है ऐसा खाने में एक भाव रहता है कि इसके अंदर हमारा स्निग्धता अंदर जाती है स्थिरा स्थिरा का मतलब है स्टेबल द स्टेबल डाइट उसमें हम स्टेबिलिटी आती है रुद्या, आनंद देता है ऐसे जो आहार है वह सात्विक ऐसे आहार में कहे गए नेक्स्ट कटवम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन फिर से पढ़ता हूं मैं कटवम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह कटु उसका दो अर्थ है कभी कभी तीखा अर्थ है होता है कटु का या कड़वा तीखा कड़वा दोनों यहां कड़वा हम ले सकते हैं अम्ल मतलब खट्टा लवण मतलब खारा नमकीन नम, नमक भरा बहुत नमक उसमें है ऐसा अति उष्ण अति मिसखूब खूब उष्ण मतलब गरम खूब गरम तीक्ष्ण शार्पनी मतलब वो शार्प होता है खाना आपको शार्प पेन शार्प खार, खाने में लगता है रुक्ष रूखा मतलब ड्राई और विदाहा जलाने वाला अपने को जीव जलाता है थ्रोट जलाता है ऐसा ऐसा राहा राहा राजसस्य ऐसा जो आहार है वो राजस को इष्टाहा उनको पसंद आता है ऐसा आहार राजस लोगों को पसंद आता है वो कैसा होता है दुख शोक आमय प्रदा प्रद मतलब होता है देने वाला देता है वो क्या देता है दुख देता है शोक का मतलब है चिंता कर देता है और आमय मतलब है बीमारी इसलिए आपको श्लोक मालूम होगा निरामया हा। तो निरामय मतलब है हेल्दी आमय मतलब है बीमारी जो बीमारी देता है जो दुख देता है चिंता देता ऐसा आहार यह राजस लोगों को पसंद है जिसमें खूब तीखा है खूब गर्म है खूब जलाने वाला जलाने वाला है खट्टा है ऐसा तीसरा श्लोक है श्लोक नंबर दसवा टेंथ नंबर या पूति पर चाध्यम भोजन तामस प्रियम तामस प्रियम भोजनम तामस को कौन सा प्रिय है भोजन तामस व्यक्ति को जिसका स्वभाव तामस है तो यातयामम यातयाम है मतलब है कि एक आपको शब्द होगा याम शब्द का अर्थ है काल समय ऐसा कहते हैं तीन घंटा एक, एक याम होता है ऐसा कहते हैं अपने इसमें शास्त्र में कि जो खाना होता है वो तीन घंटे से पहले नहीं पका होना चाहिए वी शुड नॉट कुक द भोजन बिफोर थ्री आवर्स कि आपके सारे हमारे फ्रिज का खाना निकालना पड़ेगा हमें तो तीन घंटे से ज्यादा जो खाना होगा होगा वो नहीं खाना चाहिए यातयाम जो तीन घंटे से पुराना है ऐसा यातयाम फिर गत रसम जिसका रस चला गया है उसमें हम पानी डालते है, डालते है, रस बनाते लेकिन रस नहीं है उसमें कोई टेस्ट नहीं है उसमें पुती पूती का मतलब है जिसका बास आता है जिसका स्मेल आता है जिसका स्मेल आता है एक गंदा स्मेल आता है वैसे उसका नाम है पुती मतलब हमारा कल्पना है खराब हुआ होगा दुर्गंध युक्त जो दुर्गंधी उसको देता है ऐसा परियुषितम बासी मतलब पुराना परिउषितम अभी परिउषितम का उषित का मतलब होता है रात रात भर जो खाने को रखा हुआ है वैसा परियुषित ऐसा खाना और उच्छिष्ट झूठा उच्छिष्ट मतलब किसी ने खाया है और मैंने वो खा लिया उसका नाम है उच्छिष्ट दूसरे ने खाया हुआ वह और अमेद्य मतलब है अपवित्र अमेध्य मतलब है अपवित्र ऐसा जो खाना है वह खाना तामस लोगों को अच्छा लगता है या पुराना तीन घंटे के पुराना कभी कभी यातायाव का दूसरा अर्थ कुछ लोग लेते हैं जो है अध पका पूरा पका नहीं ऐसा लेकिन उसका सही अर्थ है तीन घंटे से पहले पका हुआ जिसका कोई रस नहीं है कोई टेस्ट नहीं है ऐसा कोई दुर्गंध युक्त है दुर्गंध आती है उसका स्मेल आता है जो बासी है परयुषितम है आ, उच्छिष्ट है झूठा है झूठन है और अपवित्र है ऐसा खाना तामस लोगों को अच्छा लगता है ऐसे तीन तीन लोगों के तीन तीन बातों के कहा है कि कैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है अभी आपको पता होगा कि उन्होंने तीन बातें बताई है कि जो भी व्यक्ति है उनको तीन बातें करनी चाहिए एक खाना यज्ञ एक है तप एक है दान यज्ञिया दान यज्ञ तप ध्यान दान यज्ञ क्या होता है तो हम हवन कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हम देते हैं देते समय भावना क्या होती है यज्ञ में कि ये मेरा नहीं है मेरा नहीं भावना रखकर जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ होगा जिस समय में गीता लिखी गई उस समय में यज्ञ कल्पना समाज में थी आज भी है तब मंदिर नहीं थे यज्ञ ही थे और यज्ञ के आधार पर सभी देवताओं को बुलाते थे कभी इंद्र को बुलाया वरुण को बुलाया इसे दशरथ राजा को पुत्र नहीं थे तो उन्हें पुत्र कामिष्ट यज्ञ करके उस देवता को बुलाया जो जो मुझे चाहिए उसको बुलाने की पद्धति उस समय में समाज में थी और इसलिए हम यज्ञ करते थे यज्ञ कितने प्रकार के हैं तो यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं आज भी हम यज्ञ करते हैं तो हम पढ़ेंगे ये तीन प्रकार के यज्ञ ग्यारह बारह तेरह। श्लोक नंबर अफलाकांक्षी विधिदृष्टो ये यव्य में वेति मन समाधा स सात्विक सह यज्ञ सात्विक यज्ञ शब्द देखा होगा आपने यज्ञ शब्द पहले इसमें आता है वह यज्ञ सात्विक यज्ञ माना जाता है कौन सा अफलाकांक्षी भी यह इज्जते जो यज्ञ इज्जते किया जाता है किसके द्वारा अफलाकांक्षी फल मतलब है फ्रूट्स कुछ रिजल्ट कांक्षी मतलब इच्छा करने वाला मुझे कुछ चाहिए ऐसी इच्छा करने वाला फलाकांक्षी लेकिन मुझे ये इच्छा ही नहीं है कुछ कुछ किसी की ऐसे सोचकर जो यज्ञ किया जाता है उसको बोलते हैं अफलाकांक्षी इसे अभी अभी जो उदाहरण दिया दशरथ का उसके मन में क्या इच्छा थी पुत्र की इच्छा थी वो यज्ञ तो किया उसको फल भी मिला लेकिन वो सात्विक यज्ञ नहीं है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कोई फल की आशा नहीं है ऐसी इच्छा करते हुए जब ऐसी कोई भी फल की इच्छा न करते हुए यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ करते हैं वो यज्ञ कैसे क्यों करते हैं फिर ये वेती केवल मुझे यज्ञ करना है इसलिए जैसे मैं संघ में शाखा में जाता हूं कुछ लोग शाखा में क्यों आते हैं मुझे कुछ मिलना चाहिए इसलिए वो भी यज्ञ है शाखा में जाना यज्ञ है लेकिन मैं शाखा में क्यों जाता हूं क्योंकि जाना चाहिए इसलिए हमारे कई लोग मां कहती है कि मैं अपने बेटे का ध्यान इसलिए रखती हूं क्योंकि मैं जब बड़ी होंगी या मैं जब बड़ा हूंगा तो वो मेरा ध्यान रखेगा यह आशा नहीं है बच्चों का ध्यान रखना क्यों क्योंकि रखना है यदय व्यक्ति उसी के लिए करते हैं मन समाधाय ये सबसे अच्छा शब्द है मन को समाधान करने के लिए केवल मेरा मन के समाधान हो ऐसा जो यज्ञ होता है वह सात्विक यज्ञ कहा जाता है इसलिए कोई किसी भी फल की इच्छा न करते हुए मन के समाधान के लिए केवल करना है इसलिए जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक यज्ञ किया कहा जाता है दूसरा यज्ञ का प्रकार अभिसंधाय अभिसंधा तो फल दंभाथमी यज्जते भरतश्रेष्ठ तय विधिराजस तम यज्ञ राजसम विधि उस यज्ञ को राजस यज्ञ मानिए हे भरत श्रेष्ठ है अर्जुना कौन से यज्ञ को जो यज्ञ फलम अभिसंधा फल की इच्छा करके किया जाता है किसी फल फल को सामने रख कर किया जाता है अभिसंधान का मतलब है टारगेट फल को टारगेट करके जो किया जाता है किसी इच्छा के द्वारा किया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ करते हैं और दूसरा है दम्भार्थम दंभ मतलब है हिपोक्रेसी मैं कितना बड़ा हूं ये दिखाने के लिए हमारे यहां भी कई कथाएं होती है कि मैं कितना बड़ा हूं इसके लिए कथा होती है यज्ञ होता है मैंने यज्ञ में इतना सारा खर्च किया ऐसा बताया जाता है इतना सारा दान किया ये जब बताया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ कहा जाता है तो दो तो उसके कंडीशन है फलम अभिसंधाय और दम्भार्थम तीसरा यज्ञ का प्रकार विधिहीनम नम सृष्टा मंत्रहीनम नम दक्षिण श्रद्धा विरहित यज तामसम यज्ञ परिचक्षते वह यज ताम यज्ञ को तामस कहना चाहिए कौन सा एक है विधिहीनम विधि के द्वारा नहीं करते हैं विधि किसने बताया है वेद में बताया है जो वेद में विधि बताया है जो क्रम बताया है जो क्रिया बताई है उसके द्वारा नहीं करते बस मन में आया वैसे करते हैं एक अच्छा शब्द है असृष्टान्नम किसी भी यज्ञ में अन्न निर्माण करते हैं मतलब है खेती करना यह भी यज्ञ है दूसरा है यज्ञ में अन्न दान करते हैं ऐसे यज्ञ में अन्नदान नहीं किया जाता असृष्टान्नम मंत्रहीनम कोई मंत्र के द्वारा भी नहीं अदक्षिणम कोई दक्षिणा भी नहीं दे दिया है कि दक्षिणा मतलब है जो मंत्र यज्ञ करते हैं उस समय यज्ञ करते हैं उस समय सभी को एक दक्षिणा देते हैं दक्षिणा क्यों देते हैं दो कारण से एक बहुत अजीब कल्पना है अपने यहां भारत में जब कोई अतिथि अपने घर पे आता है तो नॉर्मली अतिथि जो गेस्ट होस्ट को थैंक यू बोलता है अपने यहां पद्धति भी है कि गेस्ट होस्ट के लिए कुछ प्रेजेंट दे देता है अपने यहाँ क्या पद्धति उल्टा होता है होस्ट गेस्ट को थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि भोजन करवाने की आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी मैं सेवा कर सकूं इसलिए होस्ट गेस्ट को दक्षिणा देता है उसको दक्षिणा तो दक्षिणा जो होती है वह अपने समर्पण के द्वारा अपने इच्छा के द्वारा हम समर्पण करते हैं उसको दक्षिणा बोलते हैं तो यहाँ अदक्षिणम वो दक्षिणा भी नहीं देता है और श्रद्धा श्रद्धा से रहित ऐसा जो यज्ञ होता है वह तामस यज्ञ कहा जाता है तो विधि ही द्वारा नहीं किया जा गया हुआ असृष्टान्नम जहां अन्न निर्माण भी नहीं हुआ अन्न दिया भी नहीं गया मंत्रहीनम जहां मंत्र नहीं पढ़े गए अदक्षिणम यहाँ दक्षिणा नहीं दी गई और श्रद्धा से विरहित श्रद्धा के बिना यज्ञ किया, किया, किया गया उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं तो भोजन के तीन प्रकार हो गए यज्ञ के तीन प्रकार हो गए हमको चूज करना है कि हम कौन सा प्रकार का यज्ञ करेंगे तीसरा प्रकार है तपश्चर्या तप तपश्चर्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्टेरिटी या पेनेंस। यह क्या है तो अपने आप को कंट्रोल में करना इसको तपश्चर्या कहते हैं मुझ में कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल केवल संयम नहीं तो यह कंट्रोल अच्छे काम के लिए होना चाहिए ईश्वर के लिए होना चाहिए केवल कंट्रोल करने को तपश्चर्या नहीं बोलते आई कंट्रोल माई सेल्फ टू रीच टू दॉड टू अंडरस्टैंड व्रत करते हैं उपवास करते कि आज हम नहीं खाएंगे या आज मेरा व्रत है ये तप, ये तप है कुछ लोग शांति से एक जगह पे बैठते हैं वो तप है क्योंकि हमको बोलने की इच्छा खूब रहती है घूमने की इच्छा खूब रहती है हमको तो नहीं बोलना यह तप है हमको पता है कि गद्दी के ऊपर मैट्रस के ऊपर सोना अच्छा लगता है तो मैट्रस के ऊपर नहीं सोना ये तप है तो जो जो जिसके जिसके कारण हम एक अपने में संयम लाते हैं वो सारी क्रिया तप है तो तीन प्रकार के तप है एक शरीर का तप बोलने का तप और मन का तप मन को कंट्रोल करेंगे तो मानस तप वाणी को कल, कंट्रोल करेंगे अपने बोलने में तो वांग्मय तप और शरीर को करेंगे तो शारीर तप इसका तीनों का उल्लेख यहां आगे के तीन श्लोक में क्या है 14, पंद्रह सोलह इसे अध्याय बड़ा आसान है समझने में ऐसे ट्रिपलेट्स बनाए हैं तीन, तीन 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 के आगे चलकर और ये अध्याय को जितनी बार पढ़ेंगे उतने अपने जीवन में एक परिवर्तन आएगा ऐसा मेरा भी अनुभव है आगे पढ़ेंगे श्लोक नंबर फोर्टींथ श्लोक देव गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जव ब्रह्मचर्यिच तप उच्चते शरीर का तपश्चर्या क्या है तो स्वाभाविक रूप से जो शरीर अपना है बॉडी है उसके जो बॉडी ऑर्गन से हमारे उसके द्वारा जो किया गया उसको शरीर तप बोलते हैं तो क्या है देव द्विज गुरु प्राचीन पूजनम पूजन करना है हमको वर्षिप करना है शुड वर्शिप किसको देव को भगवान को फिर द्विज द्विज मतलब है ब्राह्मण ब्राह्मण कौन होता है जाति से ब्राह्मण जो है वो नहीं ब्राह्मण मतलब है जिसने शास्त्र का अध्ययन किया है और जो शास्त्र का शास्त्र हमको सिखाता है हमको जो साइंस शास्त्र सिखाता है उसका नाम है ब्राह्मण तो द्विज गुरु जो हमको एक मार्गदर्शन करता है गाइडेंस करता है लाइफ में वो गुरु और प्राजनय मतलब है विद्वान बुद्धिमान इनका हमको पूजन करना चाहिए इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इसलिए आपने यहां कल हमेशा कहा है कि सेलिब्रिटीज कौन होते भारत में वो नहीं होते जिनके पास बहुत पैसा है हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज कौन होते जिसके लोग समाज किसके पीछे जाता है जिनके पास कुछ भी नहीं है उसके पीछे जाता है उसकी पूजन करता है इसलिए देव द्विज गुरु प्राजन्य पूजनम क्योंकि ये शरीर से हम पूजन करते हैं उसका आवश्यक है फिर है शौचम शौच का मतलब शुद्धता अपने शरीर को शुद्ध रखना रोज स्नान करना सारे अपने कान नाक सभी शुद्ध रखना अपने बॉडी पार्ट्स सभी को शौचम फिर आरजवम आरजव का मतलब है सरलता अपना जो जीवन होगा वो सरल रखना अननेसेसरी विकेट नहीं जाना तिरछा नहीं जाना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना जीवन हो इसका प्रयास करना फिर ब्रह्मचर्य हो सके तो जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म के आज ब्रह्म का चिंतन करना यह ब्रह्मचर्य है ब्रह्म का चिंतन कि हमेशा मुझे ब्रह्म का पालन करना है ब्रह्म को जा, जानना है ब्रह्म को मानना है यह ब्रह्मचर्य है अहिंसा नॉन वायलेंस अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करना क्योंकि हर्ट करने के लिए शरीर चाहिए हाथ चाहिए वैसा नहीं यह शरीर तप कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राजन्य पूजन शौचम आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा शरीरम तप तो ऐसा कहते हैं अनुद्वेगकर वाक्यम सत्यम प्रियहित यध्यायाभ्यसन चमय तप उच्य अनुद्वेगकर वाक्यम वाक्य मतलब है सेंटेंस वाक्य अपना वाक्य कैसा हो कि जिसको उद्वेग न करने वाला उद्वेक का मतलब है परेशानी जिससे दूसरों को परेशानी हो दूसरों को दुख पहुंचे ऐसा मेरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा वाक्य ऐसा मेरा कोई भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए कि मेरे वाक्य दूसरों को परेशानी होती है ऐसा फिर सत्य होना चाहिए सत्यम बाद में प्रिय हितम प्यारा भी होना चाहिए प्रिय भी होना चाहिए और हितकारक मतलब उसको उसका फायदा हो मतलब उसका अच्छा हो ऐसा भी होना चाहिए प्रियम हितम चयत नॉर्मली क्या होता है जो प्रिय होता है वो हितकारक नहीं होता जो हितकारक होता है वो प्रिय नहीं होता लेकिन यहां कहा है प्रियम हितम फिर कहा है स्वाध्याय अभ्यसनम च केवल बोलना वांग में तप नहीं है अच्छे पढ़ाई करना अच्छा स्टडी करना किसी भी बात का यह भी वांगमय तप है और अभ्यसनम मतलब प्रैक्टिस करना यह भी वांगमय तप है किसी की प्रैक्टिस करना किसी भी बात की यह भी वांग्मय तप है इसलिए बोलना और पढ़ना तो जो 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 लिटरेचर वाणी भाषा के संदर्भ में है एनीथिंग कनेक्टेड लैंग्वेज यह वांग्मय तप है क्योंकि इसमें वाणी अपनी जीव अपना सबका उसका उपयोग होता है आगे कहा है मानस तप अपने माइंड को कैसे करें मन प्रसाद सौम्यम मौन मात्म भाव तपो मानस उच्यपह मानस उच्य उच्चते मतलब है कहा गया है मानस तप क्या कहा गया है मन प्रसाद प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता हैप्पीनेस एक आनंद ये जो ग्रेसियसनेस उसको प्रसाद कहा है ग्रेशियसनेस उस जो ग्रेशियसनेस है मन का वो हमेशा सौम्यत्म सौम्य का मतलब होता है शांत भाव सौम्य रहना क्रोधित नहीं होना सौम्य रहना मौनम शांत मौन रहना जब नहीं चाहिए तब नहीं बोलना मौनम आत्म विनिग्रह अपने को संयम में रखना और भाव संशुद्धि अपने जो अंदर के भाव है उस अंदर के भावों को शुद्ध रखना किसी के संबंध में बुरा सोचना आवश्यक नहीं है जितना जितना हो सके वो शुद्ध भाव में रहना गलती भी हो गई तो भी उसको निकालते रहना तो अंत भाव संशु अंदर का भाव को शुद्ध रखना यह मानस तप कहा जाता है इसलिए मैंने कहा कि तप का अर्थ है तपश्चर्या तो तप मतलब कंट्रोल कई सारे अपने इंप्रेशन हम अपने मन के ऊपर आते हैं आएंगे ही हमारे सब क्या आते हैं लेकिन जैसे जैसे आएंगे उसको उसको रोकते रहना कि बेटा तुम मत अभी मताओ यहां मताओ यह मता। आपकी जगह नहीं है किसी के बारे में बुरा भाव आ गया लगा कि क्यों बुरा भाव करना छोड़ दो ना ऐसे मन को बताना ऐसे जितना जितना मन के ऊपर उस प्रकार के शुद्धता लाएंगे उतना उसका नाम रखा है मानस तप क्योंकि तप का अर्थ होता है कि अपने मन को एक कठोरता में रखना कंट्रोल में रखना किसी भी हालत में उसको हिलने नहीं देना उसका नाम है तप तप शब्द का अर्थ होता है तपना तो जैसे धूप में हम खड़े होते हैं ना तो गर्म हो जाए उसको तपना बोलते हैं तप उस प्रकार से हम अंदर से गर्म होते हैं और आपको पता भी होगा कि किसी को शुद्ध करना हो तो उसको अग्नि में डालते हैं जैसे सोना होता है गोल्ड होता है उसको शुद्ध करना हो तो उसको अग्नि में डाल दे अग्नि में डालने के बाद में आग में जब डालेंगे तो जो है वो निकल जाती है और निकल जाने के बाद बाहर है वो शुद्ध निकलता है तो तप का अर्थ होता है कि जिस फेज में हमको जाना है उस फेज में जाकर हमारी इंप्यूरिटीज निकलती है उसका नाम है तप इसलिए तप का अर्थ होता है कि तपना मतलब यू पुट योअर सेल्फ इन द फायर देर इज अ फायर इन दिजिकल फायर 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 मीन वो जो अग्नि है वह अग्नि का वाणी का अग्नि और मानसिक अग्नि उस अग्नि में हमको इसलिए राम ने भी सीता को जब कहा था अग्नि परीक्षा क्यों शुद्ध भाव से उसको निकलने के लिए शुद्ध बन करने के लिए अग्नि होता है उसी को नाम तपश्चर्या है जैसे तप तीन प्रकार के तप है लेकिन तप भी तीन प्रकार के होते हैं सात्विक तप राजस तप और तामस तप वैसे तीन प्रकार के तपों के बारे में कहा है श्रद्धया पर आगे का श्लोक लिखते जाएंगे सेवनटीन श्लोक है यह श्रद्धया तप्तन परिविधन नरि अफलाकांक्षी सात्विकम परिचक्षते परया श्रद्धया सुप्रीम ऐसी श्रद्धा से यह नरे ही तपहा तप तप्तम तप को किया जाता है और वो तप है सात्विक तप कौन सा है वही बात है जो आपको पहले मिलेगी अफलाकांक्षी भी भगवत गीता में बार बार ये बात कही है कि फल की इच्छा मत करो फल की इच्छा करोगे तो सारे प्रॉब्लम्स आपके शरीर में आ जाएंगे इसलिए फल की इच्छा न करते हुए जो तप किया जाता है उसका नाम है सात्विक तप दूसरा श्लोक अठारहवा श्लोक सत्कार मान पूजा तपो दम्भे क्रियते तदिह प्रोक्तम राजुव इसका अनुभव हमको बहुत बार आता है कि राजस तप कौन सा है तो सत्कार मान पूजार्थम दंभे क्रियते मुझे मेरा कोई ये, ये व्रत करने के बाद ये तपश्चर्या करने के बाद मेरा सत्कार होगा सम्मान होगा मेरा मेरी पूजा होगी ऐसा सोचकर जब कोई तपश्चर्या करते हैं वो राजस्व तप है मैंने अपने बारह व्रत किए बारह दिन व्रत करने के बाद अभी मेरा सम्मान होने वाला है ऐसा मानकर अगर कोई तपश्चर्या करता है तो वह तपश्चर्या राजस्व तपश्चर्या है ऐसा होता है कई बार हम हम भी तपश्चर्या करते हैं कि बारह सोमवार करेंगे उसके बाद में सभी लोग मेरी पूजा करेंगे मेरा सम्मान करेंगे ऐसा जो जो तप है वो सारा तप है वो राजस तप है दम्भे पाखंड के कारण के कारण इसलिए उस, उस तप को राजस तप कहा है फिर तीसरा तप ये तप हमारे पुराणों में बहुत मिलेगा मूढ़ ग्राहेनाथ यथ पीड़या क्रियोत्सादना कोई लोग तप करते दूसरों को पीड़ा कर दूसरों को परेशान करने के लिए कि मुझे इसको मारना है इसकी मुझे उसका रिवेंज लेना है उस रिवेंज लेने के लिए तपश्चर्या करते हैं उसका कहते परस्य उत्साह दूसरों को नष्ट करने के लिए दूसरों को खराब करने उत्साह का मतलब है दूसरों को परेशान करना दूसरों को नष्ट करना उस करने के लिए जो किया जाता है और पीड़या शरीर को पीड़ा देकर शरीर को शरीर की इच्छा नहीं होती फिर भी उसको पीड़ा देते हैं जैसे आपको देखा होगा कई लोग मुझे मिलते हैं कि वो दिन भर पानी नहीं पानी के अलावा कुछ खाते नहीं पीते नहीं लेकिन बार बार बताते रहते कि आज देखो मैंने कुछ खाया नहीं मैंने खाया नहीं देखो मैंने ऐसे बैठा है दुख के आधार पर पूरा दिन पानी नहीं कुछ भी खाते नहीं लेकिन सारी चिंता भोजन की चिंता करते हैं पीड़ा या शरीर को पीड़ा देकर ऐसा करते हैं वह और मूढ़ ग्राह मूढ़ ग्रहण का मतलब होता है स्टबननेस से हठीलापन से हट करके पूर्वक विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग मूढ़ मतलब विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग हट करके अपने शरीर को पीड़ा देकर दूसरों को दूसरों का अनिष्ट दूसरों का बुरा करने के दृष्टि से जो किया जाता है वह तप तामस तप कहा जाता है तो देखो पांच हजार साल पहले भगवत गीता में जो कहा हमको लगता है कि तो अरे हमारे लिए लिखा गया है आज भी वही के वैसे के वैसे लोग हमको मिलते हैं तो तीन प्रकार के तप हो गए तीन प्रकार के दान हो गए यज्ञ हो गया अभी तीन प्रकार का दान कौन सा है इसके आगे देखेंगे श्लोक नंबर बीस दातव्य दीयते नुपकारिणे देशे काले च चा पात्रे चान सात्विक स्मृतम तदान तदान वह दान सात्विक माना जाना चाहिए कौन सा दान तो दातव्यम इति आपको काफी मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा यज्ञ में वैसे यहां भी मिलेगा दातव्यम इति देना ही है इसलिए जो दान दियते दानम दियते देना है इसलिए दिया जाता है किसको अनुपकारिणे मुझे कुछ वापस मिलेगा इसलिए नहीं मैं घर पे गया था एक बार तो उन्हें कहा कि हमको काफी दान मिला शादियों में हम सब लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि जब उनके घर पे शादी होगी तो उतना उतना हमको वापस देना है ऐसे कई घरों में पद्धति होगी कि उन्होंने अगर पांच पाउंड दिए तो मुझे पांच पाउंड उनको वापस देने पड़ेंगे तो लिखा जाता है इन्होंने सोने का गहना दिया तो सोने का अलंकार हमको देना पड़ेगा यह सात्विक दान नहीं अनुपकारणे मुझे वापस कोई मिलेगा यह बिना सोचे दान दिया जाता है और एक तीसरा जो वाक्य है वो सुंदर है शब्द देशे काले पात्रे देश मतलब है अच्छे जगह पर अच्छे देश में अच्छे जगह पर काले योग्य समय में जब चाहिए तब और पात्रे योग्य यो, योग्य लोग को चोरों को नहीं जिसको जरूरत सही जरूरत है मतलब हम जिसको इंग्लिश में ऐसा कहते हैं कि राइट टाइम राइट पर्सन एंड राइट प्लेस वेन यू गिव दैट इज कॉ सात्विकता जब नहीं चाहिए तब नहीं जब चाहिए तब देना जिसको चाहिए उसको देना योग्य व्यक्ति को देना और योग्य जगह पे देना राइट प्लेस राइट टाइम एंड राइट पर्सन यह दान को सात्विक कहा जाता है दूसरा यत्तु प्रत्युपकारार्थम फल मुद्द्य वा पुनः दीयते च पर तदान राजसम इस दान में हम बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे समाज के तद दानम और दान को राजस माना जाना चाहिए किसको यत जो प्रत्युपकारार्थम वापस मुझे कुछ मिलेगा प्रति उपकारार्थम उपकार समथिंग विल कम बैक ये सोच कर दिया जाता है दूसरा फलम उद्देश्य कुछ ना कुछ मुझे चाहिए यह कर दिया जाता है किसी में मिनिस्टर को दान दूंगा तो मुझे मालूम रहता है कि मैं उसको दान देने वाला हूं तो जब मेरा काम होगा तो वो मिनिस्टर मुझे हेल्प करेगा जैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो दान दिया जाता है वो ऐसा दान होता है फलम उद्देश्य ये दान देने से मेरा टैक्स कम होगा ये फलम उद्देश्य है वो टैक्स कम करने के लिए मैं दान देता हूं वह राजस्व दान हमारा दा जाता है और परिक्लिष्टम देते से बड़ा दुख होता है अरे मैं दे रहा हूं दुख दुख के द्वारा दिया जाता है अरे बाप रे अभी देना पड़ रहा है मुझे यह जो होता है उसको दियते परिक्लिष्टम दियते जो दुख के द्वारा दुख के साथ दिया जाता है हाथ देने की इच्छा नहीं लेकिन चला जा रहा है ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। अभी नेक्स्ट वन आदेश काले यदान अपात्रे दीयते असत्तम ज्ञात तत्ताम समुदारुतम सात्विक जो दान है उसका अपोजिट है यहाँ वहां क्या लिखा है देशे काले पात्रे यहाँ क्या है अदेशे अकाले अपात्रे जहां नहीं चाहिए वहां देना जिस समय नहीं चाहिए वह तब देना और जिसको नहीं देना उसको देना उसका दान दान को तामस दान कहा है, और सम्मान न करते हुए मतलब कोई हमको पैसे मांगने आया और उसके ऊपर हमने पैसे फेंक दिए ये ले लो वो बेचारा पैसे जमा कर रहा है तो उसको जरूरत है शायद पता नहीं सम्मान बिना सन्मान किए बिना और अवज्या मतलब है इंसल्ट इंसल्ट करते हुए जब किसी का इंसल्ट करते हुए जब दान दिया जाता है अपमान करते हुए दान दिया जाता है उस दान को तामस दान कहा जाना चाहिए तो सत्कार न करना और अपमान करना तिरस्कार करना इंसल्ट करना इंसल्ट करते हुए जब दान दिया जाता है उस दान को तामस दान कहा जाता है कितना क्लियर मैसेज भगवत गीता में इस अध्याय में हमको सबको दिया है इसलिए हमको तय करना है कि हमारी श्रद्धा कौन सी हो और अपने स्वभाव से श्रद्धा तो आती है कुछ लेकिन हम जैसा कार्य करेंगे उसके आधार पर फिर आगे का हमारा जो अः जो शरीर बनेगा स्वभाव होगा वह सब होगा इसलिए भोजन कैसा हो यज्ञ कैसा हो तप कैसा हो और दान कैसा हो इसके संबंध में यह अध्याय कहा है और बाद में जो इसका संबंध नहीं है वो हमको कहे हैं कि जो शब्द है ओम तत्सत इति ओम तत्सत ये ओम तत्सत शब्द ही पूरा ब्रह्म है पूरा वर्ल्ड है और इसलिए अगर हमारे जो कल्पना की है कि हमारे सामने ब्रह्मचर्य मतलब है ब्रह्म की हमेशा विचार मन में रखना रखकर काम करना है जो जो मैं बिजनेस करता हूँ जो जो मैं काम करता हूँ वो सारा काम सुबह से रात तक जो बिजनेस करता हूँ अपने हाथ मुँह धोता हूं स्नान करता हूं काम पर जाता हूं खाना बनाता हूं खाना खाता हूं सोता हूं सारा जो बिजनेस है वह सारा बिजनेस ब्रह्म को फोकस करके अगर हम करेंगे तो उसका एक अलग से हमको अनुभव आएगा इसलिए ओम तत्सत यही भाव यही ब्रह्म का नाम है ऐसा अर्थ का है तो जब भी हम यज्ञ करेंगे तप करेंगे दान करेंगे तो ये ओम ओम तत्सत यही ध्यान में रखकर अगर करते हैं तो फिर हम काम हो गया उसका मीनिंग क्या है तो ओम सब जानते हैं ओंकार है यह वेदों का पहला उच्चारण है सत क्या तत् का होता है का मतलब वह और सत का मतलब है टुथ। वह ट्रुथ है दैट इज द ट्रुथ दैट दैट ओम इज अ ट्रुथ ऐसा मानकर अगर हम करते हैं वही ब्रह्म है वैसा सोचकर जब जो भी हम यज्ञ दान तप करेंगे तो फिर हमें मोक्ष का द्वार प्राप्त होगा राजस तामस वे में हम जाएंगे उसके उससे अलर्ट रहना उससे सावध रहना बार बार पूछना हमको कि मैं कहीं राजस तामस में तो नहीं फंस गया हूं ऐसा सोचकर जब हम कार्य करेंगे तो फिर हम ब्रह्म का ब्रह्म की दिशा में जा सकेंगे ऐसा इस अध्याय में कहा है इसलिए अः यहां रुकेंगे अभी हम इसके बाद कुछ प्रश्न न हो तो आज मुझे कुछ आपको प्रश्न पूछने हैं लेकिन पहले के प्रश्न हो तो अच्छा रहेगा सभी रेडी रहे आज किसी को भी मैं पूछ सकता हूं आज आ, कोई प्रश्न तो हम बताएंगे उसको ठीक है कोई एनी एनी क्वेश्चंस एनी रिफ्लेक्शंस एनी सजेशंस और एनीथिंग वुड लाइक टू से नमस्कार हां जी इसमें uh, लास्ट जो ओम तत्सत आपने हाँ जो बोला तो ये ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसमें आता है ओम तत्सत या, या, लेकिन जगन मिथ्या जो शब्द कहते हैं हाँ, वो मिथ्या मतलब है झूठा नहीं इल्यूजन हाँ, मतलब टेम्पररी टेम्पररी हाँ टेम्पर धन्यवाद चेंजेबल है मिथ्या मतलब चेंजेबल ठीक कुछ ना हो तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ कुछ अः मेरा सिंपल प्रश्न है आ, कोई भी बता सकता है अगर नहीं तो फिर मैं नाम ले सकता हूं कि ये जो अध्याय आज हमने पढ़ा उसमें से कौन सी बात ऐसे लगी कि कहीं ना कहीं मैं प्रारंभ कर सकता हूँ ये शुरुआत कर सकता हूँ ये मुझे पता नहीं था ये कि बहुत अच्छी बात है ये करने में मुझे आसान है समथिंग आई में स्टार्ट फ्राम टूमारो और टुडे ऐसी कोई अगर बात हो तो वो जानने की इच्छा थी एक बात प्रामाणिकता से ऑनेस्टली हाँ ये ध्यान नहीं था ये अच्छा है ये मुझे पता चला अभी तो दैट आई कैन स्टार्ट ऐसे कुछ है क्या कोई भी कहे जानकी जी आपका वो मीट अनम्यूट करना पड़ेगा uh, पूछना था कि अभी हम हर रोज पूजा करते हैं और समटाइम स्पेशल जैसे अभी 12 वीक्स वगैरह करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप मन में जो इच्छा है वो सोच के फिर शुरू करना है तो वो कौन से उसमें आता है क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ इट है ना उसको पूरा करने के लिए अपनी इच्छा पूरा करने के लिए करते हैं तो वो फिर तामस होगा समय राजस, राजस्व इस हाँ, हाँ इसलिए क्या करना चाहिए कि मेरे लिए कुछ मांगना नहीं ऐसा कह सकते हैं है, ऐसे है। कुछ लोग कह सकते हैं कि विश्व शांति के लिए मैं कर रहा हूँ ये पूजा मेरी इच्छा क्या है विश्व शांति ऐसा या सतमार्ग पर मैं चलू तो ऐसा करने से फिर वह सात्विक हो जाएगा और एक अपने शब्द आता है इस इच्छा को शिव संकल्प वेदों में शिव संकल्प नाम का सूक्त भी है संकल्प मतलब है जो इच्छा जो हम पहल, पहले प्रारंभ में करते हैं कि इसके लिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ उसको संकल्प बोलते हैं उसके लिए मंत्र भी है तो शिव संकल्प कौन सा है तो जो अस्पिशियस संकल्प है कि सारे विश्व का कल्याण हो सब का कल्याण हो सभी और पानी अच्छे से हो सभी और खेती अच्छे से हो सभी शांति से रहे आतंक न हो यह संकल्प को शिव संकल्प कहा है तो ऐसा कहते हुए भी हम पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए ऐसा लगता है गुड वेरी गुड रेशमा जी कुछ आपका रिफ्लेक्शन बताइएसली डूइंग समथिंग टू परफेक्ट ऑन मे बी से मेडिटेशन सो

Because but we are we're... going beyond the mind, beyond the body, beyond the intellect. But we're looking for the fruits for that. No. So... There are no fruit because the understanding is there. Okay. And when you think of the fruits, you cannot achieve the Brahma. Yeah, that is true. Uh, when we understand ourselves, there is no fruit. Okay. Because there is nothing remains then. When you understand ourselves. Okay another thing um, Very good point. when doing a donation, sometimes you feel that this person deserves the donation, but you have a feeling that maybe that donation which you've given them goes uh, maybe it's misused so are we to be blamed for Haan. it or yes so how do you judge that <laughs> कहा दे रहे हम देश अच्छा है क्या पात्र ठीक है क्या वो देखना तो ब्लाइंडली देना ये तामस है वेरी okay. गुड जी आपने बोला प्रिय हितम दोनों नहीं हो सकते आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हाँ। कभी कभी क्या होता है कि हम जो कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे वेलफेयर अच्छे के लिए भी बता रहा हूँ तो वो कड़वा भी होता है कड़वा सच बोलते हैं कई लोग उसको कड़वा सच है लेकिन उस समय कैसे उसको बताएं? तो अपने इसमें कहा गया है कि उसको पहले अनुकूल करो सुनने वालों को इफ रिसीवर इज ऑन देन ब्रॉडकास्ट करो जब तक नहीं करना नहीं तो क्या होगा कि वह जो कहना होगा वह रिबाउंड हो जाएगा इसलिए एक मौनम कुछ समय में शांत रहना धीरे धीरे उसको अनुकूल का मतलब है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बन, बनाना और वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर जब वो बात कहेंगे तो होगा तो। अपने संगम में भी कहा है कि जब भी किसी के बारे में आपको निंदा करनी हो क्रिटिसाइज करना हो बैठक में मत करो ये बैठक में करने से वो आतार नहीं उसको दुख लगेगा घर पे जाकर उसके साथ भोजन करते हुए रहते हुए रात को जब समझाएंगे तो आराम से समझेगा वही बात को ये प्रिय हितम हो गया इसलिए वो उसको प्रिय लगे ऐसा हित कारक ऐसा यह कहना जैसे आपको पता होगा कि जो स्कल्प्टर होता है वह छन्नी मारता है और तुरंत हाथ लगाता है पानी डालता है तो छन्नी मारना हित है और हाथ लगाना प्रिय है अपने परिवार में भी अपने बच्चों के साथ में हम करते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा होने के बाद उसको गले लेते हैं अपने पास में ले लेते हैं ये प्रिय उसको पता होता है कि बात भी कही है, लेकिन मुझे गले भी लेकर ले, ले गए अपने यहां भी एक पद्धति कहा है कि उसको चेहरा अपने और मोड़कर उसको अनुकूल बनाकर फिर हितककार हितक की बात बताना ऐसे एक उसको अच्छा माना गया है thank you बढ़िया अभी अगले सोमवार को मिलेंगे अठारहवा लास्ट चैप्टर है बहुत बहुत बड़ा है इसलिए सोचा है कि दो भाग में करूँगा तो सभी हम मिलेंगे अगले बार अठारहवां अध्याय आपको एक जानकारी के लिए जिसको जिसको ये वेदांत में और जाने की रुचि है तो कल से यूके के कुछ लोग हमेशा मिलते रहते मार्च से एक नया पुस्तक टेक्स्ट डेवलप कर रहे हैं मैं चैट बॉक्स में उसका नाम लिखता हूं उसका नाम है अपरोक्षानुभूति कठिन नाम है अपरोक्ष अनुभूति इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस अपरोक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो ब्रह्म का डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी क्या तो लेकिन समय ऐसा है कि उनके दृष्टि से यूके के दृष्टि से आठ बजे है सुबह मतलब तो यहां ग्यारह बजे होगा तो जिसको जिसको इच्छा है वह उसको लिंक भेज सकता हूं मैं जानकी जी को मैं भेज देता हूं लिंक वैसे ही तो जिसको जिसको इच्छा है वो ले सकते हैं आवश्यक नहीं है क्योंकि अपना चल ही रहा है ये डेली होगा मंडे टू फ्राइडे ऐसा ही होगा तो वहां उसका पूरा टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका टेक्स्ट का भी लिंक आप इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं मैं भी भेज सकता हूँ जिसको तो इच्छा होगी तो वो आ सकते हैं अपरोक्ष अनुभूति शं, आदि शंकराचार्य लिखा हुआ टेक्स्ट है बाय शंकराचार्य इट सेल्फ हिमसेल्फ रोड दिस बुक अपरोक्ष अनुभूति तो वेरी डीप डीप है काफी लेकिन जिसको जिसको इंटरेस्ट है डीप फिलोसॉफी uh, में गीता काफी इजी uh, हमारे सबके लिए तो उसके लिए यह अपॉर्चुनिटी है देखिए कैसा लगता है फिर हम अगले सोमवार को मिलेंगे नमस्कार।, नमस्कार। बीनल जी। yeah. सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग् कश्चिद्दुःखाग्भवे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्कारः